नमस्कार और आपका स्वागत है एडुकेशन अखाड़ा के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सीबीएसई के कंपार्टमेंट के फॉर्म कब आएंगे, उसके एग्जाम्स कब होंगे और उस एग्जाम के रिजल्ट कब घोषित होंगे। तो जी हां, अगर बात करें सीबीएसई की, जहां तक बात करें सीबीएसई की, तो सीबीएसई ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कोई भी औपचारिक फरमान जारी नहीं किया है जिससे आप इस बात का पता लगा सकें कि आपके कंपार्टमेंट के एग्जाम एग्जैक्टली किस डेट पे होंगे। मगर बात करें रुझानों की, बात करें सोर्सेज की और लास्ट ईयर के डेट्स की, तो आपके कंपार्टमेंट के फॉर्म नेक्स्ट वीक तक आ सकते हैं और उसके एग्ज़ाम जुलाई के सेकेंड वीक में होंगे और उस एग्ज़ाम के रिजल्ट अगस्त के सेकेंड थर्ड वीक तक आएंगे और उसके बाद ही आप किसी कॉलेज में या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात है आपके लिए कि अगर आपको एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में फेल डिक्लेयर कर दिया गया है तो आप इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। इस स्थिति में आपको अगले साल फिर से सारे सब्जेक्ट्स में रीअपेयर होना पड़ेगा और उसके बाद ही आप 12th क्लियर करेंगे। और आपसे बात करना चाहूँगा कि अगर आपको कंपार्टमेंट लगी है और आप हताश हैं, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी स्टडीज़ पर क्योंकि ये समाज आपका आलोचक बन चुका है, तो आपके लिए एक बात मेरे तरफ से कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े भी आग थम जाते हैं जब आग लगती है सीने में। तो अपनी इस आग को बढ़ाइए और इस समाज जो आपका आलोचक बन चुका है उसे साबित कीजिए कि आप हारने वालों में से नहीं हैं और आप ही वो शख्स हैं जो खुद को इस कंपार्टमेंट के भंवर से निकाल सकते हैं। तो अपनी मेहनत का चप्पू चलाइए और खुद की नैया पार लगवाइए। और बात करें अगर आपके एग्जामिनेशंस के लिए, तो आप उन चैप्टर्स को पढ़ें जिन चैप्टर्स में आप अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं, उसके बाद आप डिफ़िकल्ट वंस पर जाइए और कोशिश कीजिए कि आप नोट से पढ़ें ताकि आप जो मेन पॉइंट्स हैं उनको मेमोराइज कर सकें। और लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, रिटन में प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आपको फ़ायदा होगा इस चीज़ से। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते ही मैं आपको बता दूंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके लिए। तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मिल जाए नोटिफिकेशन सबसे पहले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, वीडियो पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक कीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है या सुझाव है तो कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें जिनको इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद, आपने मुझे इतना समय दिया।